पर्सनल आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और सुबह के 7 बज गए हैं, मैं छत पे आ गया हूँ, मतलब छत पर बैठने आया था। बाकी आज हम गाँव जा रहे हैं और मतलब 1:30 बजे तक निकलेंगे, गाँव जाएंगे। अब बस से जा रहे हैं, बाकी मेरा कल ब्लॉग नहीं आया था, कल पैकिंग कर रहे थे, तो आज मतलब अच्छी ब्लॉग आएगी, कल आएगी 11 तारीख को। आज तो ब्लॉग आया नहीं, तो मतलब 10 तारीख मैं 10 तारीख की वीडियो बना रहा हूँ, तो 10 तारीख की तो वीडियो आएगी नहीं क्योंकि मैंने कल ब्लॉग भी बनाया, क्योंकि 9 तारीख को मैंने मतलब बैग पैक करने में लगा रह गया था ना, और 10 को मुझे निकलना है आज, और तो 11 को वीडियो आएगी बस वाली, बस से जा रहे हैं। और जब अच्छा ब्लॉग हुआ बढ़िया होगा, और बाकी देखते क्या मिलता है, मतलब व्यू बहुत तगड़ा है, व्यू अच्छे करोगे इसमें। बाकी 1:30 बजे मिलते फिर नहाने धोने के बाद। गाइस तो हम आ गए हैं, ये एकदम बस अड्डे पे आ गए, जहाँ बस अड्डा है वहीं पे वीडियो बनाऊंगा, मतलब बना रहा हूँ। बाकी यहाँ पे बहुत सारे बसें देखोगे, ये देखो अभी बस में बैठता हूँ, सामान वामान रखे हुए इधर ही सारे के सारे, बहुत ज़्यादा धूप है, अभी बस में बैठ, मेरी बस ये है, मेरी वाली बस के बाद बस में बैठने के बाद गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, और यहाँ पर आ रखे हैं तो एक बस नहीं, बहुत सारे बसेस हैं, आप भी आ सकते हो, ढेर सारे बस हैं। अभी मेरे को मतलब कुछ सामान छूट गया था, लेने जा रहा हूँ, अभी टाइम लगेगा बस चलने में, तो गाइस फुल मजे आएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। थोड़ा धूप है, शाम हो गई, मैंने सोचा 1:30 बजे वीडियो बनाऊंगा, पर वीडियो इतने बजे बनाने नहीं थी। तो बसेस देखोगे ना तो इतनी सारी बस अभी कमी नहीं है बिल्कुल भी, हाँ सिर्फ बस ही बस, मतलब यहाँ पे बस लगती है, और ये बस छोटे पैसेंजर्स को लेने जाती है, मेरी बस ये है। गाइस शाम के 4:30 हो गए, और अंदर बस स्टार्ट हो गई, हमारी बस 6 बजे पहुंचेगी। तो हम निकल चुके हैं गांव के लिए, ये तेल भर रहा है यहाँ पर, बाकी जगह बहुत जगह है, चार्ज की सामान, बाकी बाहर लाइट नहीं है, अंदर लाइट नहीं है, मेरे को रात में वीडियो नहीं बनाऊंगा शायद से, उसी शाम को 6:30 बजे बस खुली है, और अभी कुछ नहीं पता, अभी तेल भर रहे, 30,000 का तेल हो गया इसमें, 30,000 का, इतना ज़्यादा महंगा तेल भरते हैं, तो अभी कुछ नहीं पता, अभी देखते हैं। अभी तो बस निकले हैं, 6:30 बज गए, मैंने पूरे से वीडियो बना के बस रोक रखा था, बाकी अभी सामान वगैरह यहाँ पर रखते, अंधेरा दिखेगा नहीं, मैं दिख रहा हूँ, बस मैं दिख रहा हूँ बस और कोई नहीं, बाकी 35,000 का तेल आ गया है। हाँ बाहर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, दिख ही रहा होगा ये सब, बाकी अभी गेट नहीं खोल रहा मैं, रात हो गया, कल दिन में दिखाऊंगा, बाकी मैं अभी इतनी वीडियो एडिट करके डाल दूंगा, और इतनी जगह तो है, बहुत है, इतना बड़ा है वहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और बाकी ये समय और कुछ नहीं। आज थोड़ी देर बाद आ चुके हैं, मतलब बैठ चुके हैं बस में, बाकी बस चल रही है धीरे धीरे, और यहाँ पर मतलब रात हो गई है, अंधेरा हो रहा है, और अंधेरा हो रहा है, मैंने फ़ोन की फ्लैश ऑन करके वीडियो बना रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कोई नहीं है, बस ये सब लोग हैं, अब चढ़ रहे हैं बाहर, मतलब ये शीशे का बना हुआ है यहाँ पे, और लोग सब चढ़ रहे हैं, तो दिख रहा है, बाकी आवाज़ नहीं जाएगी, अंदर में स्पीकर स्पीकर सब रख रखा है मैंने, यहाँ पर देख रहे हो स्पीकर भी है मैंने, ताकि अपना आवाज़ बस थोड़ी देर बाद सुनूँगा, थोड़ी देर बाद चलाऊँगा, बाकी बहुत ज़्यादा अभी अंधेरा तो हो ही गया है, बाकी अच्छा लग रहा है यहाँ बस में, ये देखो स्टार्ट हो गया, बस चल रही है, बाकी अच्छा मज़ा भी आ रहा है, आप भी आ सकते हो, दिल्ली में कहीं भी मिल जाएगी ऐसे, ऑनलाइन चेक करके या कहीं किसी से बातचीत करके ऐसे मिल जाती है, ट्रैवल से कहाँ से जाना है नहीं जाना है, सारी बसेस
मैं तीसरी बार आ रहा हूँ उस बस से, इसी बस से आता हूँ मैं इसीलिए। और बाकी बहुत बढ़िया लगता है, मज़े आते हैं। हमें कैब कैब भी मिली है, सोने लायक जगह, सो तो सकते हैं आराम से, सो तो सकते हैं। और बस बाकी व्यू इंजॉय करो तब तक। बाकी हम तो कैबिन वाले, तो कैबिन में बैठ रहे थे। गेट लगा होता है ना हमारा इस कैबिन में, गेट लगा रहता है और ये एसी है। तो बाकी गेट के बारे में हमें कोई नहीं बोलेगा, लेकिन नीचे वालों को लोग बोलते हैं ना, तो थोड़ा हल्ला वल्ला हो रहा है नीचे, आवाज़ नहीं आ रही बाहर, वो अंदर आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रही होगी। बाकी मैं तो अभी बैठा हुआ अंदर, मुझे तो अंदर कोई नहीं छेड़ेगा, बाकी अंदर लोग बाहर जो बैठे हैं उनको थोड़ा बहुत लोग बोल रहे होंगे। बाकी जो भी है बढ़िया है, मजा आ रहा है। बाकी अब बाहर देख ही रहे हो, थोड़ा लाइट कट गया, उससे पहले मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी, इसमें लाइट भी नहीं होती, अब मैंने लाइट ऑन कर लिया है कि थोड़ा वीडियो मेरा दिख रहा है। बाकी ये देख रहे हो कैसा, बाकी पर्दा भी है, देखा हूँ। बाकी चलिए कोई काम नहीं, बाकी चार्जर वार्जर चार्जर का प्लग भी है ये सब है। बाकी जैसे भी हो, गर्मी के लिए, गर्मी का मौसम में बहुत बढ़िया है, एसी भी है इसमें, इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन बस ये थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुआ, थोड़ा शायद लेट ही पहुँचाएगा, ज़्यादा जल्दी पहुँचाएगा भी नहीं, ये देख सकते हो। बाकी अभी तो अभी हम दिल्ली भी नहीं पार हुए, दिल्ली भी नहीं पार हुए, और इसके हमें बिहार जाना है दरभंगा तक, तो इतनी जल्दी से तो सफ़र ख़त्म नहीं होगा, टाइम लगेगा इसको कम से कम 24 घंटे, मतलब अभी 6:30 बजे 7 बजे, तो कम से कम कल हम रात को पहुँचेंगे मुझे लगता है, शायद से कि 8-9 बज जाएंगे, वैसे इतना लगना तो नहीं चाहिए। बाकी ये देखो यहाँ पे ट्रैफिक के कारण थोड़ा सा दिक्कत भी होगी हमें, कि दिल्ली जैसे ही क्रॉस हो जाएगा, जैसे हम NH हाईवे वगैरह चढ़ जाएंगे, तो उसके बाद ज़्यादा टाइम लगता है, बस स्पीड में चलती है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, देखो ट्रैफिक, थोड़ा मोबाइल का फ्लैश ऑन कर रखा है इसलिए थोड़ा ये चीज़ें भी गंदगी वगैरह दिखाई देती है, ऐसे मैं कैमरा रख देता हूँ तो नहीं दिखाई देती है। बाकी बस अभी 7 बज गए रात में, देखता हूँ 8-9 बजे खाना खाऊंगा, बाहर तो बिल्कुल ही नहीं खाऊंगा, उल्टी उल्टी हो जाती है, उल्टी की दवाई खा लेती हूँ ताकि उल्टी ना हो। बाकी देखते हैं, अब तक व्यू इन्जॉय करते हो, क्या आएगा, कुछ अच्छा आएगा तो दिखा दूँगा, मतलब क्लिप्स में दिखा दूँगा, छोटे छोटे क्लिप्स में 15-20 सेकंड की क्लिप्स में स्पीड में दिखा दूँगा। बाकी अगर जब मैं कैबिन खाली हो जाएगा, भर जाएगा, तो मैं कैबिन दिखा दूँगा, तब तक ये देखो कि अब तब तक आपको क्लिप दिखाता हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा कि अब ठीक कैबिन दिखाने के लिए, मतलब से क्लिप बनाया जा रहा था, इसके लिए फोटो मतलब फोटो पे लगा हुआ था ना, मुझे लगा फ्लैश ऑन है तो वीडियो बन रही होगी, ये फोटो खींच रही थी इससे, मुझे पता नहीं था। बाकी मैं भी बैठा हुआ हूँ, अब लाइट ऑफ कर, ये जो मैंने फिर फ्लैश जला रखी ना, मैं ये बंद करूँगा और इसके बाद दिखाऊँगा कि फ्लैश से लोगों को प्रॉब्लम हुई कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे नॉर्मली छोटा सा वीडियो बनाऊँगा कैबिन दिखाने के लिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा, रात में लाइटिंग भी होगी, बस में लाइटिंग भी हो रखी है, ऐसी बात नहीं कि नॉर्मल ही है, खाली से मुझे सोचे ना सकता है, यहाँ चल रहा है कि यहाँ अभी ट्राई कर रहा हूँ, नहीं चल रही, यहाँ नहीं चल रही, मतलब यहाँ पर शायद प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बाद में चला देंगे, बाहर जल रही है शायद, मैं देख रही ठीक ठाक से नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है जल रही होगी। बाकी मैं अभी छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, देखो
गाइस मैंने आपको कैबिन दिखा दिया होगा, इसी तरह का कैबिन मतलब थोड़ा सा ना भीड़ इसलिए है कि थोड़ा अप्रैल का महीना है और लोग ज़्यादा गाँव जा रहे हैं। बाकी आप कैबिन लोगे तब भी चलेगा, बहुत कैबिन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बाकी बहुत अच्छा लगता है कैबिन में। कैबिन आपको तो बोलेगा ही कैबिन थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक पड़ता है। और नीचे ये दो चार जो बैठे हुए हैं ना वो थोड़े मतलब स्लीपर वाले जिनके पास सीट नहीं है, तो बाकी जो सीट पर बैठे हुए हैं वो थोड़ा तो बोलेगा। बाकी सारे बंदे यहाँ पर जो चेयर लगा रहते हैं कैबिन में बैठ जाएंगे, स्लीपर वाले क्या सीट चाहे बैठ जाएंगे, वो ट्रेन की टिकट काटती है कि हम तो कैबिन दे रहे हैं कैबिन में जाओ, इस तरह का रहता है। इसीलिए बाकी उल्टी उल्टी हो जाती है, बाकी मैं रात में ज़्यादा ब्लॉग भी बनाऊँगा, पर आप दिन में ब्लॉग देखना थोड़ा सा मतलब ये वाला ब्लॉग भी बहुत लंबा ही हो गया और बहुत ही सुंदर कोशिश करूँगा अगर रात में कहीं बनाऊँ तो बनाऊँ, लेकिन वो अगले वीडियो में इस वीडियो में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।